गाइस बहुत रियलिटी को लोग कहते हैं पनिशमेंट दो पनिशमेंट बेटा। ये कुछ बच्चे हैं गाइस। तो गाइस गर्मी बहुत तेज लग रही थी इसलिए इधर बैठे खा रहे हैं हम लोग। मम्मी को ए बिहारन छोरी बिहारन छोरी हां वो तो रोज बिग बॉस देखती तुझे पता ही है। देखो दोस्तों पाव भाजी बनाने के चक्कर में देखो तो हे गाइस वेलकम बैक राजपूत फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरा बेटा स्कूल से आया है, इसको खाना खाने का कोई ढंग नहीं है, देख सकते हैं इसको खाना खिलाना पड़ता है। आप बताओ आप बनाना रोटी खाते हो ना, आपके बच्चे खाते हैं कि नहीं? ये कहता है हम नहीं खाएंगे, विटामिन प्रोटीन वाला चीज देते तो नहीं खाता है, बहुत गंदा बच्चा है। अगर आपको बच्चे नहीं खाते तो उसके केले ला लो, फिर उसके ऊपर जैम डालो, फिर उसके ऊपर वो जो चॉकलेट का शेक होते हैं ना ऊपर वो डालो। देख लिए, ये अलग से वैरायटी बना रहा है। चुपचाप तुम 10 गिने खाना पड़ेगा। 1 आज तो गाइस हम बनाएंगे बड़ा पाव। जो बड़ा पाव आजकल बड़ा पाव के नाम हम खूब सुन रहे हैं। वैसे तो मैं जाने बड़ा पाव वाली के पास, लेकिन अभी तो मैडम बिग बॉस में है तो अब घर में ही बनाएंगे बड़ा पाव, मुंबई का बड़ा पाव गाइस। तो सो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना बड़ा पाव के नाम पे। मैं इसको खाया तो नहीं है पर पता नहीं अच्छा ही होगा। वक्त बताएगा हालात बताएगा। ये देख मैगी वाले भैया, ए कैमरा मैन डोसा ही बना दो। तो आज का ब्लॉग हम 6 बजे के करीब स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम स्पेशल पाव बनाने वाले हैं। तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, फुल ब्लॉग दिखाएंगे। कल मंदिर का कपड़ा भी चेंज हो गया था, मैं वो दिखाना भूल गई आपको। तो ये प्रेम से बोले जय श्री श्याम राधे राधे। और इधर पाव के लिए मम्मी ने आलू चढ़ा रखा है, इधर मम्मी लहसुन और टमाटर छिल रही है, मम्मी लहसुन छिल रही है धनिया पत्ता चटनी के लिए। तब तक हम रिया खान जैसे ब्लॉग बना के आते हैं, उसका स्टडी जो उस चैनल पर मिल जाएगा वही ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं हम नीचे। इसके लिए मैंने ये सब सामान ले लिया है जो जरूरी है, तो उसका शूट कर लेते हैं फिर हम अपना ब्लॉग बनाएंगे। तो कुछ अच्छा था आज का। आ गए दीदी, मैं वीडियो बनवा लो, वीडियो 10 रुपया में एक वीडियो। आप रहा दो मैडम, भैया भी आ गए, कैमरा मैन भैया भी आ गए। चलिए चलो भैया इधर आए, यहां से रिकॉर्ड करो, देखो पहले प्लीज बोलिए ना भाई, तो इसका देखो नहीं तो जान मार देगी गाइस। धमकी देती है ये लड़की हमें, हैं देखो झोला पहन के आई हूं मैं। हां सूरज सिलेगी। कौन सूरज है भाई? लाओ फोकस कर दूं मैं सामने से। गाइस ध्यान से भाई, राजपूत फैमिली है कोई। ये पीछे करो और ये राज है, सूरज है जो निकल रहा है शाम को। आज रिया जी के ट्यूशन में सूरज निकल गया है। थोड़ी देर इधर जाओ, वो सूरज वहां बैठ जाएगा। जबरदस्ती शूट करवा रही है मैडम, गुस्से में थप्पड़ मार दो। थप्पड़ ही खाली मारती है, मारती बांटती है नहीं। जैसे आप बोलेंगे मैडम हम वैसे काम करेंगे, बस दिहाड़ी हमारा मत काटिएगा। दिहाड़ी बिल्कुल कट नहीं होना चाहिए। ठीक है मैडम। देख रहे हो गाइस बहुत रियलिटी को लोग कहते हैं पनिशमेंट दो पनिशमेंट बेटा इसके जितने। ये कुछ बच्चे हैं गाइस जो आप देख पा रहे हैं, ये मैडम पढ़ाने जा रही है तो हम भी मिलते हैं पढ़ाई करने के बाद। तो गाइस हमें यहाँ से वीडियो शूट करके हम जा रहे हैं अब ऊपर अपना वीडियो बनाने। पहले इसका वीडियो बनता है फिर अपना वीडियो बनाएंगे। अब आज भी दोनों वीडियो शूट करना पड़ा साथ में। इधर मम्मी चटनी पीस रही है धनिया पत्ता का, टमाटर पका रही है, लहसुन अदरक चटनी पिसाएगा इसका। यहाँ बेसन है, जो बेसन लिया है हम लोगों ने इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जो अदरक लहसुन और मिर्च का थोड़ा सा ज़्यादा पेस्ट तैयार किया था वो डालेंगे। डाल रही मम्मी इसमें अजवाइन, थोड़ा सा जा रहा है इसके अंदर हल्दी पाउडर, जाएगा नमक सर बस।
तो गाइस ये आलू उबाल लिया है, इसके अंदर जवाइन गया आलू 10-15 है, डाल थोड़ा सा हल्दी। ये मम्मी तीखा वाला बढ़िया वाला लाल मिर्च और पाव में डाला हुआ है। तो ये गया स्वाद के अनुसार, नमक ध्यान रखिएगा, बेसन अभी गया है यहाँ पे जा रहा है। इसका मिर्च का पेस्ट तैयार किया था मम्मी गरगरा, ये बहुत ज़रूरी है पाव में, आपको मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो गाइस सारा मिक्स कर लिया, अब ऐसा कुछ पाव को इस तरह से गोल गोल बना लेंगे राउंड राउंड में। और इधर मम्मी मेरी चाय बना रही है मस्त। आज से हम लोग सोचे थे जिम जाएंगे शाम टाइम पे, लेकिन दिक्कत ये हो गया ना कि आज हमने मीट बना लिया पाव बनाने का। तो करम क्या कह रहा है, जो भी अभी खा लेते हैं ठंडा ठंडा नमकीन नमकीन, ठीक है, पाव भाजी पाव पाव जो भी है खा लेते हैं। आज जा रहा हूँ मंडी में भी बर्गर बुर्गर खा लूंगा, उसके बाद देखूंगा भी नहीं क्योंकि जिम जाऊंगा। उसके बाद सब छोड़ देंगे गाइस, सब त्याग देंगे। उसके बाद हम लोग 15 दिन के लिए सब छोड़ देंगे। हमें उस मंदिर में जिम वाला मंदिर में कदम रखते ही जंक फूड ये हमें त्यागना पड़ेगा, कि हमें इसे पहले वचन देना पड़ेगा। ए बिहारन छोरी, बिहारन छोरी ना बोल छोड़ा, कि तुम पाव बनाने कहाँ से सीखी हो? देख यार मैं तो रोज बिग बॉस देखती हूँ, तुझे पता ही है वहाँ कौन गया है, चंद्रिका। बाकी चंद्रिका कौन है वो आप बता देना, हमें तो नाम ही समझ नहीं आता। चंद्रिका पाव वाली बोलते हैं हम उसको, दिल्ली बड़ा पाव वाली। तो हम वहीं से देख के बिग बॉस में कुछ सीखे चाहे नहीं सीखे, लेकिन ये उसके मुँह से रेसिपी सुन सुन के हम सीख गए हैं बड़ा पाव ऐसे बनता है। लेकिन हमको बड़ा पाव के बारे में मालूम नहीं था, हम सोचते थे अगर मुंबई जाएंगे तभी खाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था बिग बॉस देख के हमें खाना पड़ जाएगा। मम्मी क्या यहाँ यह मम्मी बेसन में घोल दी है और इसके अंदर ये डुबोएंगे और जब तेल गर्म हो गया या रिफाइंड और तेल आप किस ये जा रहा है इसके अंदर, इसे ही बोलते हैं बड़ा पाव। टिक्की नाम रखते ये बड़ा पाव क्या होता है, इसका नाम बड़ा पाव क्यों पड़ा सोच भाई। कि हम लोग बाज नहीं आ रहे, थोड़ा सा बरसात हो क्या रहा है, हमें ये बकलोलिया खाना चालू कर रहे हैं। हम मोटे नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा डाइट का बाट बाट लग गया गाइस, नॉट टाइट। इधर चाय भी खोल रहा अदरक वाली, बस एक बार और है। और यहाँ कुछ मिर्च हमने कट किया है, बिल्कुल सेम चंद्रिका स्टाइल बनाएंगे चंद्रिका। देखो दोस्तों पाव भाजी बनाने के चक्कर में देखो बनाया था शॉर्टकट घर के अंदर बनाना है, तो चटनी बनाया जो उसके ऊपर लगा दिए दोनों के ऊपर, इधर भी लगाएंगे इधर भी लगाएंगे, ठीक है। और हमने बनाया दो का, तो हम डालेंगे आप चाहे तो छोटा छोटा पीस है तो आप दो डाल दीजिए आलू, ठीक है। बड़ा बड़ा बनाया है जो हम एक डालेंगे सिंगल, ये जाएगा दो टिकिया। और ये हमारा बड़ा पाव तैयार हो गया चंद्रिका स्टाइल। बड़ा पाव बना लिया है, अब पहले मम्मी देते हैं, मम्मी खाएगी बहुत है, बहुत है मम्मी देते, मम्मी चेक कर कैसा बना है, अरे हम लोग खा लेंगे बच्चों का खाना है। तो गाइस मम्मी बताइए कैसा बना मम्मी, हैं? तो अब देते हैं इसको प्रथम को, प्रथम बताइए कैसा लग रहा है, इससे पहले ये खा कर देखो तो डाला सब में डाला हुआ बेटा, सब में भर दिया है। बड़ा पाव ये मुंबई का पॉपुलर है, अच्छा है। तो गाइस मम्मी को चखा दिया मैंने बना के। तो गाइस गर्मी बहुत तेज लग रही थी इसलिए इधर बैठे खा रहे हैं हम लोग,
मम्मी को बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। ये क्या है मम्मी? मैं डाइट पे हूँ। बहुत मस्त है मौसी। चाय बनाया तुमने? नहीं खाई तुम? खाऊंगी अब क्या? अब क्या डाइट में तो कुछ खाना भाई वही बनेगा, कौन बनाएगा? डाइट का तो आ जाना 7,000। इसको भूजा नहीं चाहिए। और ये इकरान का है। हरिया मौसी, तो गाइस रिया से पूछते हैं इसका रेटिंग क्या देती है। हरिया, क्या दोगे रेटिंग? ये अंगूठा नहीं चाहिए। 2-3-4-5 रेटिंग मिलता है। 1 रेटिंग नहीं यार, कम से कम 4 रेटिंग मिलना चाहिए। मतलब नंबर 1 मस्त मस्त बना है। बता दीजिए गाइस आप लोग कैसा लगा, फटाफट बना के आप लोग भी खा लीजिए। मुंबई का नाम सुना है लेकिन मुंबई तो जा रहे हैं हम।